फालतू बात नहीं। क्यों खास है ये बाइक? पुलिस के आप सिपाही हैं, आपके हाथ में है, ये क्यों खास है? इससे क्या है, किराम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। 100 नंबर जब से आई है देखा गया है कि किराम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। अच्छा, क्या क्या खास खूबियां हैं इस बाइक में? गाड़ी में बाइक में देखो, एक तो माइक्रोफोन दिया है और जैसे भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये माइक दिया है, और इसमें हूटर भी है, इसमें लाइटें भी हैं। गाड़ी को देखिए, ये पीए सिस्टम है, हम इससे अनाउंस भी कर सकते हैं, ये इससे अनाउंस हो सकता है। और ये हमारी एलईडी लाइट है जो लाल पीली नीली है, और इसमें हमारा बैटरी चार्जिंग भी है और मोबाइल चार्जिंग भी है, एमडीटी चार्जिंग भी है, और इसमें वाटर बोतल है, नीचे वाटर बोतल है, दो यूटिलिटी बॉक्स है, और इसमें हूटर दिए गए हैं, उसकी अलग अलग टोन है। गाड़ी चलाते समय माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं हैंडसेट से। गाड़ी चलाते समय उसका यूज करना है, कहीं चल रहा है, कहीं भीड़ भाड़ आगे बढ़ी है, हर में जगह से कहीं इसको तो इसका यूज कर सकते हैं। आज इनको चित्रकूट में पुलिस लाइन में कुल 21 गाड़ियों को हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके उसका रवाना किया गया, और इससे ये हम लोगों का उम्मीद है कि मतलब जो क्विक रिस्पांस के लिए और जो दुर्गम गलियां हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है, वहाँ पे तत्काल रिस्पांस के लिए इन वाहनों के माध्यम से हम लोग सफलता प्राप्त करें। क्या लगता है सर, इससे कितना परिवर्तन होगा? चूँकि अभी एक्सिस्टिंग जो हमारे व्हीकल्स हैं, 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं, उनके साथ साथ अभी बाइक्स भी आ गए हैं, तो जो सबसे नियरेस्ट जो व्हीकल हैं उनको कल सूचना मिल जाएगी, और क्विक रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा, और जो शहरी क्षेत्र के जो छोटे छोटे गलियाँ हैं वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी काफ़ी सरल हो जाएगी। क्या लगता है कि जो भैया साधनों के आने से क्राइम में भी तो डेफिनेटली उसमें क्विक रिस्पॉन्स काफ़ी फैसिलिटेट हो जाएगी, और उसमें काफ़ी क्राइम कंट्रोल में भी और तत्काल पहुँचने में भी और काफ़ी आसान। तो कह सकते हैं सर कि पुलिस के लिए नए युग की शुरुआत हुई? सॉरी, कह सकते हैं कि पुलिस के लिए नए युग की शुरुआत हुई? ये डेफिनेटली अच्छा एक इंटरवेंशन है, आप लोग उसको देखेंगे तो जो टेक्नोलॉजिकली जो लेटेस्ट हमारे पास अभी GPS रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, जो 100 नंबर पे जो सिस्टम है मोर ऑर लेस उसी सिस्टम से ही इंटीग्रेटेड है, तो मैं उम्मीद ये है कि सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका पूरा फायदा हम लोग को मिलेगा। तो लेकर के अब जैसे बाइक भी आ गई है तो क्या प्रोग्रेस होगी क्राइम में? क्या निश्चित रूप से बाइक्स के आने से और हमें क्राइम को प्रिवेंट करने में बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि बाइक्स की एक्सेसिबिलिटी जो है गलियों में भी रहती है, और कोई सूचना हमें मिलती है तो हो सकता है 4-व्हीलर को गली में पहुँचने में समय लगे, लेकिन बाइक्स जल्दी पहुँच सकती है। इसी तरह जो घटनाएं बाइक्स में होकर बहुत सारी घटनाएं लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं और लोग घटना करके गलियों से निकल के भाग जाते हैं, तो बाइक ऐसी घटनाओं में पीछा करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है।
फोर व्हीलर्स के मुकाबले। इसके साथ ही साथ जो हमारी अब 100 डायल्स की फोर व्हीलर्स हैं, इनके साथ जो 21 टू व्हीलर्स गाड़ियां जुड़ गई हैं, तो हमारे 100 डायल्स की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और स्वाभाविक है, प्रिवेंटिव और इस तरह के तत्काल किसी कॉल पर के अटेंड करने वाले हमारे पास जो गाड़ियां व्हीकल्स हैं वो भी बढ़ गई हैं, तो टाइमिंग्स में और सुधार आने की से संभावना है और चीज़ों को तत्काल पहुँच के रोकने के। अभी जिले में कितनी गाड़ियां हैं और थाना और चौकी वाइज कैसे इसको डिवाइड करें? टोटल हमारे जिले में 21 अभी टू व्हीलर्स दिए गए हैं, जिसमें हर एक थाने के हिसाब से दो हैं और प्रत्येक चौकियों पे एक है, तो इस तरह से 21 गाड़ियां हमारे पास आई हैं। लेकिन कुछ लोकल एडजस्टमेंट है, जैसे कुछ थाने जहाँ हो सकता है हमें दो गाड़ी की जरूरत न हो, मात्र एक गाड़ी से काम चल जाए, तो वहाँ इसलिए हमने करवी में जैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ हमने एक गाड़ी संख्या बढ़ा दी, तीन गाड़ी कर दी है, प्रत्येक चौकी पे एक एक गाड़ी हमने कर दी है। तो इस तरह पूरी 21 गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है और ये तीन शिफ्ट में काम करेंगे, जो भी कर्मचारी है तीन शिफ्ट में काम करेंगे, इससे उनमें तरोताजा भी बने रहेंगे, हर समय स्फूर्तिदायक स्थिति में रहेंगे और कॉल को अटेंड करने में वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचाएंगे। सर, नॉर्मल बाइक से किस तरह खास है ये बाइक? नॉर्मल बाइक से इस तरह से खास है कि इसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, एक तो MDTs में लगी है, जो तत्काल कोई कहीं से कोई कॉल आएगी तुरंत उनके यहाँ ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, जिससे उनको पता चलेगा कि कॉल किस स्थान पे आ रही है, और जो कॉल करने वाला का मोबाइल नंबर उसमें डिस्प्ले हो जाएगा, उससे तुरंत तत्काल बात कर सकते हैं। सारी गाड़ियों में हमने PA सिस्टम दे रखा है, PA सिस्टम देने से तुरंत जो है अनाउंसमेंट भी चाहे तो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। गाड़ियों में सायरन दिया गया है, सायरन लाइट्स LED लाइट्स लगी हुई हैं, चार्जर लगे हैं, जो MDT का चार्जर उसमें मिलेगा, इनको जो मोबाइल दिया जाएगा उसका भी चार्जर इसमें मिलेगा। इस तरह सेल्फ सफिशियंट ये गाड़ियां हैं, इसमें सारी सुविधा गाड़ियों में है, उनको लेने के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी में बैठे बैठे वो अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, अपने MDT को चार्ज कर सकते हैं, सायरन से अपना रोड क्लियर कर सकते हैं, किसी को रोड क्लियर करना हो, एक किसी ग्रीन बेल्ट की तरह से रास्ता एम्बुलेंस को देना हो, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर अनाउंस करना है तो अनाउंसमेंट उसमें PA सिस्टम से कर सकते हैं, जिससे सही जानकारी लोगों को पता चल सके। ये कंट्रोल रूम से डिसाइड होगा, जो नियरेस्ट बाइक है या जो भी पॉइंट है उसको अटेंड करने के लिए कहा जाएगा, और खासकर ऐसी जगह जहां हमारी गाड़ियां फोर व्हीलर नहीं पहुंच सकती हैं, कोई कॉल ऐसी जगह से है जहां गलियां हैं या छोटी गलियां हैं, तो वहां पे टू व्हीलर को भेजा जाएगा। खासकर शहरों में, बड़े शहरों में जहां पे कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, वहां भी बाइक्स बहुत ज्यादा सफल होंगी, क्योंकि फोर व्हीलर गाड़ी को जाने में समय लगता है, उनके मुकाबले बाइक्स जल्दी पहुंचती हैं। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं बड़े शहरों में टू व्हीलर्स के द्वारा की जाती है, और टू व्हीलर्स होने के कारण बड़ी तेजी से गलियों से होते हुए निकल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बाइक्स में जो हमारे पुलिसकर्मी रहेंगे वो उन ऐसे लुटेरों को अगर कोई घटना करके भागता है तो उनका पीछा करके उनको पकड़ने में ज्यादा तत्परता दिखा सकते हैं।